कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत ही शानदार हवन रहा और काफी अच्छी तरह से आपने सेलिब्रेट किया, क्या कहना चाहिए? बस ऐसा है कि हमेशा ये दुआ होती है, यही प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि ऐसे ही खुशी रहे सेट पे। आज 12 साल हमारे कंप्लीट हुए 12 जनवरी 2021, और उसी दिन 3300 एपिसोड का पूरा होना, आई थिंक ये बहुत ही कार्मिक और एक ऊपर वाले की एक देन है कि उसी दिन हमारे 12 साल कंप्लीट होते और उसी दिन हमारे 3300 एपिसोड होते। तो हमेशा ये दुआ करते हैं, ये प्रे करते हैं कि वही एक जोश जो पहले दिन था, आज भी वो वही जोश रहे टीम में, वही ह्यूमिलिटी रहे, वही हार्ड वर्क रहे, एक टुगेदरनेस, एक टीम की जो टुगेदरनेस होती है। आई ऑलवेज से कि बेस्ट टीम्स मेक बेस्ट शोज। तो जब शो अच्छे लोग साथ में आते हैं तो आई मी माई सेल्फ नहीं रहता, एक टीम वर्क रहता है। और यही ह्यूमिलिटी रखते हुए हम दर्शकों को थैंक यू कहना चाहेंगे। कभी आपकी नाराज़गी होती है कुछ बातों को लेकर, कभी आप बहुत प्यार करते हैं, मगर जो भी हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। और आज आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी एसोसिएटेड विद द शो, सारी हमारी टीम, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, यूनिट, जिन्होंने साथ दिया है। 12 साल बहुत एक अच्छा, एक इट्स अ लाइफ टाइम। इनफैक्ट मुझे कोई बता रहा था उस दिन कि लोगों के करियर्स कभी कभी 12 साल के ही होते हैं, और एक शो ने वो ज़िंदगी जी है और आज भी जी रहा है, और भगवान करे और जिएगा। सो थैंक्स टू एवरीबडी, टू द व्यूअर्स, एंड थैंक्स टू मोहसिन एंड शिवानगी, जिन्होंने एक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की तरह एक साथ दिया है डायरेक्टर्स का, प्रोडक्शन का, रिश्ता भी कहलाता है का, और बहुत कुछ अभी आगे देखेंगे। तो उसके लिए आई थिंक वी ऑल नीड योर सपोर्ट, और ज़रूर देखेगा जो आगे कुछ होने वाला है कुछ दिन। मैं और पूरी टीम को ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी फॉर कंप्लीटिंग 12 इयर्स। एंड मैं ये बोल रही हूँ और मैं ये मान रही हूँ और मैं हमेशा मानती रहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ, और आगे भी रहूँगी या नहीं रहूँगी पता नहीं, वो आप लोग देखिएगा। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना। 100% गारंटीड। बैट लगा रहा है? अच्छा, आप बैट लगा रहे हो? आप हार भी सकते हो। आप बैट मत लगाइए, देयर इज अ बिग ट्विस्ट कमिंग अप जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो। लेकिन थैंक यू सर फॉर बिलीविंग इन मी, एंड हमें, मुझे नायरा देने के लिए, हमें कायरा देने के लिए। हमारे लिए ये नायरा, मेरे लिए नायरा और हमारे लिए कायरा हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेंगे। और बस यार, कंग्रेचुलेशन। The show had already completed 7.5 years. 7.5 साल हो चुके थे, 2100 करीब एपिसोड्स हो चुके थे, सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके थे, सारे अवार्ड जीत चुके थे जब हम हमारी एंट्री हुई थी शो में एज कार्तिक नायरा। एंड तब तक इट हैड ऑलरेडी अचीव्ड सो मच, माशाल्लाह। वी हैड एंटर्ड अ ग्रैंड शो एंड बीन एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड एंड हम्बल्ड एवरी डे के कास्ट इन दिस रोल। एंड माशाल्लाह ये जो जर्नी है ये, और हमारी 1200 हो गए तो 3300 क्रॉस कर चुके हैं, और ऐसी बहुत जल्द 3333 होने वाला है। या 3333 सून, एंड इंशाल्लाह द नंबर 3 इज वेरी लकी फॉर सर, इज बोर्न ऑन 3rd। एंड वो जो लक है, वो जो 3 नंबर का, वो आई थिंक हम सब में वो फैल रहा है। तो आई थिंक आई एम सून गोना बिलीव इन न्यूमरोलॉजी बिकॉज ऑफ इट। मेरा वो एक बता दूं, अगर मैं वो अपना ट्रिक बता दूं या मैजिक बता दूं या फॉर्मूला बता दूं तो नहीं नहीं, बेसिकली फॉर्मूला बहुत सिंपल है जो मैंने हमेशा बिलीव किया है इंडस्ट्री में, कि जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो तो जो आपका विजन होता है, आपकी जो आप चाहते हो जो शो में हो, वो किसी और का ड्रीम बना दो और उनको इंस्पायर करो, उनको मोटिवेट करो, उनको मतलब वो एक प्लेटफॉर्म दो जहां वो आपकी जर्नी को अपनी जर्नी बना दे। एंड मैं बहुत खुशनसीब हूं कि
मेरे कंपनी डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन में ना केवल सारी यूनिट, सारी टीम मेंबर्स, मेरे वर्कर्स, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी सोल जो हमारी यूनिट की होती है, और सारे बेहतरीन कलाकार जो है, उन्होंने ये रिश्ता का सपना अपना समझा, अपने कंधों पे उन्होंने शो का पूरा वो जिम्मेदारी ली और उन्होंने वो सपना बना लिया। तो मैं खाली स्टेज पे जाता हूँ, ऐसे इंटरव्यूज देता हूँ, अवार्ड लेके आ जाता हूँ। तो रियली ऑनेस्टली दैट इज़ अ थिंग दैट व्हेन यू हैव सच हार्ड वर्किंग पीपल, पॉजिटिव पीपल, तो उनका सपना बन जाता है और मैं बस क्रेडिट ले जाता हूँ। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी, सर सिर्फ सेट पे आते हैं या सिर्फ स्टेज पे आते हैं, इंटरव्यूज नहीं देते हैं, सर हमेशा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमेशा हमारे साथ भी रहते हैं, और सिर्फ इन ओकेजन पे नहीं आते हैं, बहुत बार सेट पे आते हैं, हमारे सभी आउटडोर्स में, हम एक्टर्स हैं, हमें अगर सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठना है तो सर भी हमारे साथ उन्हीं टाइम पे उठते हैं। तो आई थिंक ये सबका है, आई थिंक पूरी जितने लोग जुड़े हुए हैं सब ने आई थिंक बहुत मेहनत की है। और Congratulations once again, sir. 12 years, oh my god. Unbelievable. ठीक है सर, you can just take their bites. Huh? For 5 minutes. Just keep some digital. Kaira, मतलब इतना, मतलब बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो भी ब्रांड बन चुकी है, क्या कहेंगे? और 12 साल का मुकाम हासिल किया है, 3,300 एपिसोड्स। माशाल्लाह, फर्स्टली तो बिग 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 कांग्रेचुलेशंस टू ये रिश्ता। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी गई हुई है, बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, टू ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड एवरी सिंगल पर्सन एसोसिएटेड विद द शो, सेवन एंड हाफ ईयर्स हैड ऑलरेडी बीन डन व्हेन वी जॉइन्ड द शो, एंड अब माशाल्लाह 12 साल हो जाना, 12 साल इज़ ब्यूटीफुल नंबर, आई लव द होल नंबर 3 हर जगह से कनेक्ट हो रहा है। तो मैं वही सर से बोल रहा था, अभी हम लोग बहुत जल्द 3-3-3-3 कंप्लीट करने वाले हैं, आई होप कि उस दिन भी हम ऐसे ही सेलिब्रेशन करें। कितना मजा आया, काफी धमाकेदार सेलिब्रेशन देखा हमने सेट पर, सब एंजॉय कर रहे थे, क्या कहेंगे? हाँ, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम हमेशा ही हवन करते हैं और हवन पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, प्यार और जो है और सब ब्लेसिंग्स भगवान की बनी रहे हम सब पे, सभी पे, आप लोगों पे भी। और इसीलिए करते हैं सब, पूरे काफ़ी लोग थे जो शो का फिलहाल हिस्सा नहीं है, वो लोग भी थे और मतलब सभी आए हुए थे यार, एक मिलना जुलना हो गया सबसे और अच्छा लगा बहुत। मतलब फिर आपने केक कटिंग तो देखा ही, सबने बहुत सारा केक खाया। अच्छा, फैंस को क्या कहेंगे, जो कहीं ना कहीं काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं, मायूसी नज़र आ रही है, कायरा नहीं रहेंगी, नायरा नहीं रहेगी, मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही है, आपको कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है फैंस को लेकर? क्या वही जो रिस्पॉन्स आपको आ रहे हैं, वही रिस्पॉन्स मुझे भी आ रहे हैं, एंड हम समझते हैं आप लोगों के इमोशंस, समझ रहे हैं, पर फिलहाल तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप शो देखते रहिए, आगे क्या होगा, कैसे होगा, आप सबको पता चल जाएगा। बट उसी में से छेड़छाड़ किया जाता है हर वक्त, लास्ट टाइम भी हुआ था और इस टाइम भी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब सारे जो ट्विस्ट है वो आपके कैरेक्टर के द्वारा किया जाता है, इज व्हाट यू मीन? ओके, दैट्स गुड ना, अगर ऐसा होता है तो। मेरा क्वेश्चन ये था, द सिल्वर लाइनिंग इन ऑल दिस इज द फैक्ट दैट आप दोनों की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आई वाज जस्ट गोइंग टू ट्विटर एंड एवरीवन वाज प्रेजिंग द लास्ट फ्यू एपिसोड्स एस्पेशली बिकॉज एवरीवन लव्ड द वे यू टू पोर्ट्रेट कायरा, भले ही अंत हो, नई शुरुआत हो, जो भी हो, बट आपकी एक्टिंग जो मेन चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव गॉन थ्रू ट्विटर रिएक्शंस एंड एवरीथिंग, राइट? हाउ सरियल डज इट फील व्हेन यू नो दैट दे आर अपसेट बट उसमें भी दे आर फाइंडिंग लव फॉर योर वर्क? फील्स गुड यार, फील्स गुड। हमारे कास्ट से ही जब हम लोग ही एक दूसरे को भी बोलते कि यू नो आपका ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, सो वी ऑल द एंटायर कास्ट कम्स टुगेदर लाइक दैट। सो अभी भी जब हम बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि यार वो सीन जो आया वो बहुत गूज़बम्स आ गए थे वो सीन के वो देख कर, और तो ये एंटायर कास्ट डिस्कसेस इट, सो अमंग्स आवरसेल्व्स वी नो एंड वी स्पीक अबाउट अच्छा वो सीन वो सीन, सो वी ऑल हैव आवर फेवरेट्स। इतना बाहर नहीं निकल पाते फॉर ऑडियंसेस रिएक्शन, तो जो सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन होता है वो मिल पाते हैं हमें। So seeing that was very overwhelming, yaar. You messaged, it's very nice that you do. Very, this very, very sweet of you, Bhavna. And mashallah, it helps a lot when people tell you कि अच्छा ये अच्छा लगा, तो it kind of gives us a direction के इस तरह से और perform करना चाहिए।
हमने देखे रिएक्शंस, जो भी ड्रामा था, जो भी सीक्वेंस था, उन सब को साइड पे रख के लोगों ने परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और नायरा के गिरने के बाद आई थिंक कार्तिक का बहुत मेजर इंटेंस सीक्वेंस रहे हैं और अभी तक चल ही रहे हैं, जिसके लिए मेरी आवाज़ जा चुकी है। एंड आई थिंक ही वाज अमेजिंग। मैंने उनको मौसम को बताया भी, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इन कुछ एपिसोड्स में। सी दैट इज आल्सो यू नो फुल क्रेडिट्स टू द राइटर्स, टू द डायरेक्टर टू ब्रिंग दैट आउट, because a lot of times to get that exact emotion, because the directors usually tell us, you know, isko thoda sa sober kar lo, isko thoda sa utha sakte ho, so those you know things really matter, the writing really matters. So full credits to the writers, the directors, our creative team to bring that nuance out. Bahut chhoti chhoti nuances hai, wo angel ka usi point pe tootna, haath ka jab chhootna, that wasn't just the haath ka chhootna, it was the entire thing. So those small small nuances makes a lot of difference visually. So full credit to them. Bosses, congratulations, aapko apne apne naya ghar liya hai, to aapke friends ke bare mein thoda kuch aap bataiye, bahut high rise apartment se aapne photo dali, thank you so much. Ha, humne naya ghar liya hai, to inshallah ab main jab proper meri family ke sath hum log post karenge uske bare mein then. So on a parting note, again congratulations to both of you. Thank you. And अगले 12 साल भी मुझे लगता है हम यही सकते हैं।